और शिव शंकर देवऋषि नारद के सामने नेत्र खोलकर बोले, क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुण घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपी तप कर रहे होते हैं, जितने पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद करते में। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है, ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है, उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, तीन बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में एक सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे, शंकर को रिझाया शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुण घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती, गरुण घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता, खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुण घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना, पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ, का मतलब वो घंटी को बजाने के लिए आएगी, नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते, दोष दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक मंदिर बंद है, तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम करो। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है, और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में। पुकारने का समय होता है, भगवान को पाने का एक समय, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण होता है। देवऋषि नारद के मन में वो अभिमान जो था वो सामने प्रस्तुत हो गया, हर हर महादेव कहा देवऋषि नारद ने, वो कहीं कहीं भगवान की कृपा होती है, कहीं परमात्मा की दया होती है, तब जाकर हर हर महादेव का संबोधन हमारे मुख से निकल पाता। फिर कहूंगा 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी अगर आप शंकर के भगत हो गए, शंकर के उपासक हो गए, शिव के हो गए, तो फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव, मृत्यु लोक का देव है,
और उस मृत्यु लोक के देव ने आपको अगर गले लगा लिया तो फिर कहां जाना है? इसके सिवा कहां जाना है? फिर यही, फिर हमें 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 कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के सिवा किसी किसी और जगह नहीं, शिव की ही आराधना। महाराज शंकर की कथा भी सही कहे, शंकर की कथा भी एक औषधि है और शंकर की कथा भी एक शंकर से लगन लगाने का रोग भी है। जो एक बार शंकर की कथा सुन लेता ना उसे रहा नहीं जाता, फिर तो वो रिमोट पे ढूंढता ही देगा, मोबाइल पे कहीं कथा आ रही है, जरा जरा 15 मिनट बस एक एक जरा सा सुन लो, सियोर वाला महाराज कथा आ रही, शिव महापुराण की कथा आ रही, बस थोड़ी सी देर, और सास के बंद मत कर देना, बहू के नाटक दे, तू चुप रहे, अभी थोड़ी सी और बची, देख अभी इतनी बच गई, थोड़ी देर और, इसके बाद तुम नाटक देख लेना, सीरियल देख लेना, पर मुझे देखने दो कथा, 2-3 दिन बीच में नहीं आए तो लोग कथा दो, कथा नहीं आ रही, बेचे नहीं बढ़ गई कथा। कई कई लोग हैं ऐसे पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में क्या, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इनको भी यही रोग लग गया, ये बांगड़ परिवार इनको भी यही रोग लगा है, बस वो कथा वहां ऑस्ट्रेलिया में लेकर सुन लिए, चित्त में आ गई, फोन करा गुरुजी से बोलो ऑस्ट्रेलिया कथा करने आए, हमने कहा इस कोरोना चल रहा हो रेंद्र दादा भाई ऑनलाइन करा दो, आओ साहब कथा, ये रोग है। श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सोवन देवी जी, ये शिव पुराण भी एक बीमारी जैसी लग दिल में लग गई कि अब कथा तो होना है। और एक नहीं, आप सबसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना, कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना, महाकाल विश्वनाथ से प्रार्थना करना कि हे शंभु हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना, इतना धन हमको देना, इतना वैभव हमको देना, ऐसा धन देना कि गलत जगह पर न लगे, धन ऐसा देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसी संपदा हमको दे दे, हम भी करवाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, हम भी अपने पूर्वजों को पार लगा दें, ऐसी कृपा बस एक बार कर दे, ऐसी कृपा कर, उसको कहो। ये एक दिल का रूप है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, ये शंकर के भक्तों के लिए हो, ये लाइन जो है कृष्ण राम शिव के भक्तों के लिए, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो बाके बिहारी, हमारा वेद दुनिया रारी, ये रोग लग गया, ये रोग लग गया। कुछ नहीं है भाता जब ये रोग लग जाता, लग गया। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ सुहाता नहीं, फिर क्या सुहाएगा, बस एक बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, बहुत कठिन, जब इस कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, लोगों को रुद्राक्ष जो दिए गए थे, जितने लोग रुद्राक्ष लेकर गए थे उनको मालूम है कि
कोरोना महामारी का क्रम चालू हुआ, इतना लोगों को कोरोना दुनिया भर में फैलता रहा फैला, पर आपके घर में रुद्राक्ष का पानी था, रुद्राक्ष था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप था, तो कोरोना महामारी जैसी भी तुम्हारे सामने आ गई, परिवार में आ गई, पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ, वापिस ठीक होकर आ गया, वापिस ठीक। और कभी योग लगे ना तो ये राक्षसोत्सव ये चितावलिया हेमा में हुआ था, इसके पास में कम से कम 52 गांव लगे हैं, थोड़े दूर दूर पे, भले जंगल एरिया, पर किसी एरिया में जाकर पूछ लेना कि हाँ यहाँ कोरोना महामारी का कोई प्रकोप पड़ा क्या, किसी को बीमारी हुई क्या, क्योंकि बाबा की भक्ति में ऐसे डूब चुके थे, ऐसी भक्ति में रम गए थे कि बीमारी अगर सामने आ भी गई ना तो बाल बांका नहीं, कोई मरा नहीं, प्राण नहीं छूटे। जिसको शंभू ने पकड़ा फिर उसको यमराज पकड़ सकता है क्या? शिव आराधना में शंकर की आराधना और रुद्राक्ष, शिव और गुरु, गुरु सतगुरु, इनको पहचानना बड़ा कठिन है।